गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो दोस्तों, आवाज़ क्लियर आ रही है? अगर आवाज़ क्लियर आ रही होगी तो यस कहिएगा प्लीज़। यस आकांक्षा, अनु, वैभव, चांदनी, ओके, चलिए, गुड। बेटा, कल आप सभी ने ICAI की अनाउंसमेंट देखी, और ये ICAI की अनाउंसमेंट में ऑप्ट आउट ऑप्शन जो है ये ICAI ने दिया। तो इसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूजन में है कि क्या करना चाहिए। कल आपने बहुत सारे फैकल्टीज़ के वीडियोस भी देखे होंगे, हमने भी वीडियो डाला है VSmart की सभी फैकल्टीज़ ने, और आपने क्या करना चाहिए इसके ऊपर हमने भी आपको सजेशन दिया है। दोस्तों, जहाँ तक मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये हमने कल भी ये क्लियर कहा और अभी भी हम ये क्लियर कहते हैं कि जिनका जो भी स्टूडेंट है, जिन्हें जिन्होंने ऑप्ट किया है ऐसे जोन में जो यहाँ पे यहाँ रेड जोन में है या कैंटोनमेंट जोन में है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वो स्टूडेंट ऑप्ट आउट ऑप्शन ले ले। बेटा, थोड़ा आपको हर्ट भी होगा, थोड़ा ये भी होगा, दुखी आप सैड भी हो जाओगे कि आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे दिल्ली, मुंबई, पुणे वगैरह, या फिर कोई भी ऐसा जोन जहाँ पे जहाँ तक यहाँ रेड जोन होगा या वहाँ केसेस ज़्यादा होगी, तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑप्ट आउट ऑप्शन ले ले, कोई सेकंड थॉट नहीं चाहिए। बेटा, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पहले हमें और हमारी फैमिली का हेल्थ का पूरा ख्याल रखना है, और उसके बाद ही जो है आपको एग्ज़ाम के बारे में सोचना है, ठीक है? दूसरा, हाँ, अगर आप ऐसे एरिया में हो जहाँ आपने सेंटर जो है अपने लोकल एरिया में लिया है और आपके एरिया में केसेस बहुत कम है या बहुत निग्लिजिबल है, तो थोड़ा आप थॉट दे सकते हो। वो सिचुएशन में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि
आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिएगा, नो डाउट, ऑब्वियसली पेरेंट तो ये चाहता है कि आपका नुकसान ना हो, लेकिन उसमें ये भी चांसेस है कि आज आप ग्रीन जोन में हो, कल वो रेड जोन में हो जाए, या फिर आगे क्या हो सकता है कुछ पता नहीं है। भगवान से तो यही दुआ करूँगा कि सिचुएशन जल्दी कंट्रोल में आए, पर ऐसा लगता है कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक हम इस COVID-19 से छुटकारा नहीं पा नहीं ले पाएंगे। तो फिर यहाँ पे मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा आज एक दो घंटा सोचो उस बात पे कि स्पेशली आप ऐसे जोन में हो या आपका सेंटर ऐसे जोन में है जो रेड जोन में नहीं आता है, ग्रीन जोन में आता है, तो आपने क्या करना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्ट आउट ऑप्शन, इसके दो यहाँ पे सिचुएशंस बताता हूँ कि एक आपने लिया और एक आपने नहीं लिया, दो ऑप्शंस हैं। अगर ऑप्ट आउट ऑप्शन ले लिया आपने तो नो डाउट ये अटेम्प्ट आपके किसी भी कोई भी पर्पस के लिए कंसिडर नहीं होगा, आपका एग्जम्पशन कंटिन्यू रहेगा। और मुझे तो ये लगता है इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका जो ओल्ड सिलेबस वाला अटेम्प्ट है उसके लिए ये कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये अटेम्प्ट आगे एक्सटेंड होना चाहिए। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट इसके ऊपर नोटिफिकेशन दे। और बेटा मैं यहाँ पे जस्ट मिनट हूँ, मेरी चाय आ गई है सुबह सुबह की। ठीक है, सो दोस्तों मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि आप अगर ऑप्ट आउट ऑप्शन लेते हो तो इसमें ये फ़ायदा है कि ये आपका एग्जम्पशन कंटिन्यू रहेगा। तो दूसरी बात, आपका अटेम्प्ट जो है वो भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब आप फ्यूचर में सीए बनने के बाद इंटरव्यू में जाते हो तो भाई कितने अटेम्प्ट लगे क्या लगे वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे यह है कि आपका ओल्ड अटेम्प्ट वाला, मतलब जो ओल्ड सिलेबस में है और उनके अटेम्प्ट काउंटिंग में आएंगे क्या, तो उस पर अभी इंस्टीट्यूट ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके काउंटिंग में नहीं आना चाहिए। एक अटेम्प्ट के लिए ओल्ड सिलेबस का यहाँ पे बढ़ जाना चाहिए, देखते हैं। पर इंस्टीट्यूट डेफिनेटली उसका यहाँ पे नोटिफिकेशन देगी। उसके बाद में बेटा यहाँ दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप ऑप्ट आउट ऑप्शन नहीं लेते हो तो फिर क्या। ऑप्ट आउट ऑप्शन अगर आप नहीं लेते हो तो मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि यही है कि आपको अटेम्प्ट के लिए एंड तक, यानी जब तक एग्ज़ाम नहीं होती है तब तक के चांस है डिसीजन लेने का कि मैं दूँ या ना दूँ। ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपने अनाउंसमेंट में एक चीज़ बहुत अच्छे से कह दी है और वो ये कही है कि यस, एक भी स्टूडेंट होगा तो हम यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। तो बेटा अगर ऐसा रहा कि आपका अभी ग्रीन जोन में है और बाद में रेड जोन हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एग्जामिनेशन फीस जाएगी। हाँ, अब इसमें ये है कि अगर आपके कोई सब्जेक्ट एग्जम्पशन में पहले हो गए तो वो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ये हो सकता है कि अभी तक, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने क्लैरिटी नहीं दी है, तो ये हो सकता है कि यहाँ पे जिनका एक या दो सब्जेक्ट एग्जम्पशन में हो गए तो वो सिचुएशन में कि मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूट जो है ये अटेम्प्ट उसको कंसिडर करेगी या नहीं करेगी, स्पेशली ओके अगर आप ऑप्ट आउट ऑप्शन नहीं लेते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ना आपके डाउट्स और क्वेश्चंस मैं लेता हूँ। ओके, मैं थोड़ा 10 मिनट आज इस पे एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, फिर हमारा डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दूसरी बात बेटा मैं आपको ये कह दूँ कि जिसका कोई एग्जम्पशन का कोई सब्जेक्ट नहीं है और वो अभी ग्रीन जोन में है तो मैं ये सजेशन दूंगा, तभी आप अपना थॉट रखना, आप अपने पेरेंट्स से भी बात करना कि ये जो है आप ऑप्ट आउट ऑप्शन जो है मत लेना, एग्ज़ाम को कंटिन्यू होने देना। अगर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई हो तो टाइम पे डिसाइड करना कि देना है नहीं देना है। इसमें बहुत से लोग कह रहे हैं एक नुकसान है, एक नुकसान कौन सा है कि हमारा अटेम्प्ट अननेसेसरी काउंट किया जाएगा अगर फ्यूचर में हम कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं या कहीं हम जॉब के लिए जा रहे हैं।
बेटा मुझे नहीं लगता है कि फ्यूचर में आप बिग फोर में या कहीं जाओ तो आपका टीम ये काउंट किया जाएगा, क्योंकि ये उनको भी समझ में आता है कि ओके, अगर वो पहले ग्रीन में था, बाद में रेड जोन में आ गया, या फिर वहाँ एग्ज़ाम नहीं आप दे पाए, तो ओके, मुझे नहीं लगता कि ये वो कंसिडर करेंगे कि आपका ये अटेम्प्ट जो है जुलाई वाला अटेम्प्ट यहाँ पे एक काउंट, मतलब उनके इसमें काउंट किया जाएगा, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी बहुत आपकी फीस जाएगी, ओके, तो थोड़ी बहुत फीस जाएगी, पर जहाँ तक देखा जाए आप ऑप्ट आउट वाला ऑप्शन जो है सोच समझ कर ओके यहाँ पे डिसीजन लीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपको इतना कहना चाहूँगा बेटा कि हाँ, अमेंडमेंट से रिलेटेड, जीएसटी की अमेंडमेंट से रिलेटेड, अगर आप नवंबर में अपना अटेम्प्ट पोस्टपोन करते हो, आप ऑप्ट आउट ऑप्शन लेते हो नहीं लेते हो, पर अगर आप यहाँ पे नवंबर में अपना अटेम्प्ट पोस्टपोन करते हो, तो वो सिचुएशन में नवंबर के लिए कोई ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है। गिन कर यहाँ पे 15 पेजेस के अमेंडमेंट्स है, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट ने सभी अमेंडमेंट्स पोस्टपोन कर दी है। आई रिपीट, गवर्नमेंट ने सभी अमेंडमेंट्स पोस्टपोन कर दी है, तो मुझे ये पता है कि अमेंडमेंट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सो दोस्तों, अमेंडमेंट का जहाँ तक IDT का सवाल है, GST का सवाल है, उसका बिल्कुल आपने टेंशन मत लेना। DT से रिलेटेड, हाँ, यहाँ पे जो है अमेंडमेंट से रिलेटेड आपको DT की फैकल्टी बता सकती है, पर IDT के लिए मैं क्लियरली कह रहा हूँ कोई ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है। पर एक बात तो क्लियर है, जिसके भी सेंटर रेड जोन में है वो इमीडिएट ऑप्ट आउट ऑप्शन ले ले, ओके, इमीडिएट ले ले, नो सेकेंड थॉट, ठीक है। आपके कोई डाउट्स और क्वेश्चन होंगे तो आप, मैं और 2 मिनट दे रहा हूँ, आप पूछ लो आपके डाउट्स और क्वेश्चंस। सीमांत, ये एक्चुअली मैंने आज तक के जितने इंटरव्यू देखे हैं, बहुत रेयर इसमें पूछते हैं कि आपको कितने अटेम्प्ट लगे हैं, वो कोई क्रॉस वेरीफाई नहीं करते, पर ऑनेस्टी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मुश्किल है कंपनी के लिए। जहाँ तक आप ओल्ड कोर्स में हो तो यस पंकज, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ओल्ड कोर्स में अगर आप हो तो एक्सटेंड होना ही होना चाहिए, इंस्टीट्यूट करेगी ही, तो ये फ्यूचर में इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट या नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, तो मुझे लगता है इंस्टीट्यूट ने करना ही चाहिए। बेटा दर्शना, आप ऑप्ट आउट ऑप्शन ले लो, बैंकॉक से फ्लाइट से क्यों इतने रिस्क लेते हो, बिल्कुल मत लो। ओके, मैं आपको कहूँ क्या, एक बात दर्शन मैं कहना चाहूँगा कि मुझे तो ये कल से सोच रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट ने तो कह दिया कि एक भी स्टूडेंट रहेगा तो हम एग्ज़ाम लेंगे, पर उनके सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। स्कूल्स कॉलेजेस ओपन नहीं है, वो सितंबर में अगस्त में ओपन होगी, कौन देगा स्कूल को कॉलेजेस उनको। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वहाँ स्टाफ मैनेजमेंट, स्टाफ कौन आएगा, ओके, एग्जामिनर के लिए CA लगते हैं वहाँ पे, यहाँ पे तो कौन वहाँ पे आएगा, ओके, तो ये बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने हैं। इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन दे दी है, पर मुझे पता है, मैं बहुत से सेंट्रल काउंसिल के मेंबर के कनेक्शन में हूँ, ओके, हमारे प्रेसिडेंट तो बिल्कुल फर्म है कि हम लेंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि उनके सामने जो आने वाले चैलेंजेस है, ओके, वो बहुत है, ओके, और केसेस अगर बहुत बढ़ती गई तो गवर्नमेंट ही परमिशन नहीं देगी। तो बेटा इंस्टीट्यूट कह रही है कि एक भी स्टूडेंट को हम लेंगे, पर आने वाले चैलेंजेस बहुत है उनके सामने। बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ चांदनी, कि बाद में अगर आपका एरिया कंटेनमेंट में आ गया तो फिर ऐसे सिचुएशन में ये जो है ना, आपने ऑप्ट आउट ऑप्शन नहीं भी लिया और बाद में आपका रेड जोन में एरिया आ गया, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका फीस जो है वो जाएगा, और इंस्टीट्यूट को भी फ्यूचर में ये बात को कंसिडर करना पड़ेगा। अगर किसी का एग्जम्पशन भी होगा और आप एग्ज़ाम दे ही नहीं पा रहे हो,
तो इंस्टीट्यूट को ये बात को कंसिडर करना पड़ेगा, और मैं आपको कह देता हूँ कि बाद में इंस्टीट्यूट की अनाउंसमेंट आने के बहुत चांसेस है, मेरी याद आएगी आपको, आने के बहुत चांसेस है कि भाई ये अटेम्प्ट में क्या मतलब आप ऑप्ट आउट ऑप्शन लो या ना लो, आपका अटेम्प्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा फॉर एग्जम्पशन एक्सेट्रा। ये इंस्टीट्यूट बाद में देगी, देखना मेरी बात आपको बाद में याद आएगी। इसलिए यहाँ पे चलिए, तो लगभग आपके क्वेश्चन खत्म हो गए। हम अब हमारा डिस्कशन, क्योंकि मैं बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे तो मैंने कहा आपके साथ डिस्कस कर लूं, लेकिन चलिए यहाँ पे यस गौरव। हाँ, मैं और आपको ये कह दूँ कि अगर आप ट्रैवल करके सेंटर पे जा रहे होगे तो वो भी अवॉइड कर दो, आप ऑप्ट आउट ऑप्शन ले लो। मतलब आप जहाँ रह रहे हो और वहाँ से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर ट्रैवल करके अगर कहीं जा रहे होगे तो मत जाना, रिस्क मत लेना, ऑप्ट आउट ऑप्शन ले लो। और बेटा एक बात बता दूँ कि आप एग्ज़ाम देने गए भी तो भी दुनिया भर का टेंशन आपको रहेगा एग्ज़ाम से ज़्यादा, कि वहाँ पे सैनिटाइजेशन हुआ है क्या, उसके बाद में सब यानी एक इम्पॉर्टेंट है कि मास्क पहन के आप कैसे लिख पाओगे। चलो आपने वो सोशल डिस्टेंसिंग रखा, मास्क नहीं भी पहना तो भी एक मन में डर ज़्यादा रहेगा, यानी एग्ज़ाम से ज़्यादा तो ये मन में डर रहेगा कहीं मेरा हाथ लग गया क्या, कहीं किसी से बातचीत, किसी ने एग्जामिनेशन हॉल में छींक कर दिया है क्या, किसी कोई खास रहा है क्या। उसमें भी यहाँ रेनी सीजन है तो बस बेटा मैं आपको इतना कहूँगा कि एग्ज़ाम का कम बाकी टेंशन ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ ये मुश्किल ही है कि क्या होगा के देखते आगे। तो चलो बेटा यहाँ पे हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। वैसे तो आपको मेरा वीडियो, हम सभी फैकल्टी का, दर्शन सर है मेरा है, विजय सर है, तो इसमें आपको वीडियो कल मिल जाएगा यूट्यूब पे, हमने कल रिकॉर्ड किया और आज मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, आपके तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए गौरव वगैरह, तो आपको यहाँ बाकी क्वेश्चंस का आंसर हम देंगे। अब हमारा डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। चलो 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं, जस्ट अ मिनट। चलो दोस्तों, तो यहाँ पे मैं एक ये वाला प्रॉब्लम अपील और रिवीजन का क्वेश्चन नंबर 11 ये मैं लेना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए, हम स्टार्ट कर देते, पहले ख़त्म कर देते ये डिस्कशन, और उसके बाद में अगर आपके कोई डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो गए तो मैं ले लूँगा। प्लीज़ मेंटेन द डिसिप्लिन इन आवर कोरम। कोई अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं, कोई अननेसेसरी अभी फिलहाल यहाँ डिस्कशन नहीं है, पहले हम खत्म कर देते फिर हम बाद में बात करेंगे। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कंफर्म द डिमांड ऑफ GST ऑफ ₹42,50,000, ठीक है, विथ इंटरेस्ट एंड इम्पोज पेनल्टी 4,25,000। आप अगर एनालिसिस कर रहे होगे तो ये अमाउंट जो है 42,50,000 यहाँ पे विथ इंटरेस्ट है और पेनल्टी 4,25,000 इन इट्स ऑर्डर डेटेड ऑन 1 मार्च। अगर आप साइड में लिख रहे होगे तो ऑर्डर की डेट है 1 मार्च। द असेसी फाइल अपील बिफोर अपेलेट अथॉरिटी चैलेंजिंग द डिमांड एज वेल एज पेनल्टी। इंटरनल ऑडिट पार्टी आफ्टर एन ऑडिट ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द असेसी submitted note to the commissioner that actual amount demanded should have been 48,50,000। अच्छा, यहाँ पे
ड्यूरिंग मतलब अपील तो फाइल हुई, पर जब इंटरनल ऑडिट हुआ तो उन्होंने नोट दिया कि एक्चुअल डिमांड बनती है 48,50,000, वाइल द इश्यू वॉज पेंडिंग बिफोर अपेलेट अथॉरिटी बेस्ड ऑन द नोट. द कमिश्नर स्टेट द ऑर्डर ऑफ द ओरिजिनल अथॉरिटी एंड इश्यू शो कॉज नोटिस ऑन आई रिपीट वाइल द इश्यू वॉज पेंडिंग बिफोर अपेलेट अथॉरिटी बेस्ड ऑन द नोट कमिश्नर स्टे द ऑर्डर ऑफ ओरिजिनल अथॉरिटी एंड शो कॉज नोटिस ऑन 15 सितंबर 2020 प्रपोजिंग रिविजन ऑफ ऑर्डर ऑफ ओरिजिनल अथॉरिटी एंड रिवाइज द डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट नोट. ठीक है. एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द एक्शन टेकन बाय कमिश्नर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ. मतलब केस अपेलेट अथॉरिटी के पास पेंडिंग था. पहले ऑर्डर आई, ऑर्डर 42,50,000 की आई. वो ऑर्डर यहाँ पे अपेलेट अथॉरिटी के पास अपील में चले गई. वो ऑर्डर अपील में थी इन बिटवीन, लेकिन यहाँ पे आई रिपीट अपील में थी इन बिटवीन. और नेक्स्ट बेटा यहाँ पे जो है इधर कमिश्नर ने वो ऑर्डर ऑडिट नोट के बेस पे रिवीजन पे ले ली. ओके, रिवीजन के लिए ले ली. तो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन यहाँ पे ये है कि जो केस अपील में ऑलरेडी है क्या उसको रिवीजन में ले सकते हैं क्या, बिकॉज ऑफ इट इज इरोनियस या इलीगल या फिर यहाँ पे विच अफेक्ट द रेवेन्यू. तो वो ऑन सब्सटेंशियल मटेरियल फैक्ट्स में नहीं है और रेवेन्यू अफेक्ट करता है, तो क्या जहाँ तक देखा जाए तो रिवीजन के लिए ले सकता है या नहीं ले सकता है. ओके, तो यहाँ पे देखो आंसर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे साथ आपने अंडरलाइन करना है. एज पर सेक्शन 108 ऑफ सी जी एस टी एक्ट रिविजनल अथॉरिटी कैनॉट रिवाइज द ऑर्डर. ओके, इंटर अलिया सच ऑर्डर हैज सब्जेक्ट टू अपील. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर ये पॉइंट आपको लिखना ही है, ओके, अगर वो अपेलेट अथॉरिटी हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट के पास है, यस ही ना, आप सही हो कि वो रिविजन के लिए नहीं ले सकते हैं. ओके, द रिविजनल अथॉरिटी में हाउएवर पास एन ऑर्डर ऑन एनी पॉइंट विच हैज नॉट बीन रेज and decided in any appeal before appellate authority, tribunal or high court. In given case, commissioner want to revise the order on the point which are subject matter of appeal. Therefore, commissioner cannot exercise the power of revision in respect of such order. Note, it is assumed that the given rectification is not an error which is apparent on the face of record. However, rectification is done on the base of error which is apparent on face of record. Section 161 of CGST Act shall apply and rectification order may be passed by commissioner instead of revisional authority. हाँ, ये given case में उन्होंने assume किया कि ये जो है mistake apparent from record नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि typological mistake हो गई या फिर कुछ ऐसी mistake होगी. original order ही यहाँ 45 लाख की थी और बाद में 48 लाख का हुआ. मतलब वो एक्स्ट्रा अमाउंट बाद में पता चला. ऐसा नहीं था कि ओरिजिनल अमाउंट भी 48 था और टाइपोलॉजिकल मिस्टेक होगी, ये मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड्स हुआ. तो ऐसे केस में ये अज्यूम किया है कि ये मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड्स नहीं है. क्योंकि अगर अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड्स है तो फिर उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है अंडर सेक्शन 161. तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11. नाउ हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, एडवांस रूलिंग. आ जाइए बेटा. ठीक है, कमिश्नर क्वेश्चन ये है. ओके सूर्या का कि वेदर कमिश्नर हिमसेल्फ रिवाइज द ऑर्डर. सी बेटा, यार कमिश्नर कैन रिवाइज द ऑर्डर. ओके, बिकॉज रिविजनल अथॉरिटी इज द अथॉरिटी विच इंक्लूड्स कमिश्नर और चीफ कमिश्नर. ओके, सो दे कैन रिवाइज द ऑर्डर ऑफ ऑर्डर गिवन बाय देयर लोअर अथॉरिटीज. सो इन सच सिचुएशन, ओके, इफ ऑर्डर इज इरोनियस और इलीगल, इम्प्रॉपर और नॉट ऑन मटेरियल फैक्ट्स विच अफेक्ट द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, देन यस कमिश्नर कैन हिमसेल्फ रिवाइज द ऑर्डर. बट मैं आपको इतना ही कहूँगा कि यहाँ पे वो इलीगल प्रूव होनी चाहिए या फिर जिसमें रेवेन्यू लॉस अगर है
तो वो रिवाइज कर सकता है। चलो नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, एडवांस रूलिंग। क्वेश्चन नंबर वन देखिएगा, रंजन इंटेंड टू स्टार्ट सेलिंग सर्टेन गुड्स इन दिल्ली। अब एडवांस रूलिंग चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको इतना बता दूं कि एडवांस रूलिंग अगर आपने पढ़ा होगा तो अगर कोई एरिया में कन्फ्यूजन है, एम्बिग्यूटी है, क्लैरिटी नहीं है और कोई कोर्ट के डिसीजन अवेलेबल नहीं है तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी से आप जीएसटी में रूलिंग ले सकते हो। कोई वेंचर स्टार्ट करने के पहले या ऑलरेडी आपका वेंचर है तो उस वेंचर जो ऑलरेडी है उसमें अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप एडवांस रूलिंग उससे रिलेटेड ले सकते हो। ओके, तो चलिए इससे रिलेटेड हम चलिए इससे रिलेटेड हम यहाँ स्टार्ट करें। रंजन इंटेंड टू स्टार्ट सेलिंग सर्टेन गुड्स इन दिल्ली, हाउएवर ही इज नॉट एबल टू डिटरमाइन फर्स्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स प्रपोज टू बी सप्लाइड बाय हिम। ठीक है, वो क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रहा है। एज द क्लासिफिकेशन ऑफ सेड गुड्स हैज बीन यहाँ पे कंटेंटियस एंड सेकेंड प्लेस ऑफ सप्लाई इफ सप्लाई सेड गुड्स फ्रॉम दिल्ली टू बायर्स इन US, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानने लायक है एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे रंजन टैक्स एडवाइजर हैज एडवाइज हिम टू अप्लाई फॉर एडवांस रूलिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस इशू। उसके दो इशू थे, एक क्लासिफिकेशन का था और एक प्लेस ऑफ सप्लाई का था। ठीक है, ही टोल्ड रंजन दैट एडवांस रूलिंग वुड ब्रिंग हिम सर्टिनिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड इश्यूज एंड वुड अवॉइड लिटिगेशन लेटर। ठीक है, तो उसके एडवाइजर ने ये कहा कि तुम एडवांस रूलिंग ले लो। ओके, तो सो दैट आगे फ्यूचर में लिटिगेशन नहीं होगा और कोई ऑफिसर आपके अगेंस्ट में, जब तक आपके पास एडवांस रूलिंग है उस डेट तक कर तो वो आपके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं ले सकता। वो अपील फाइल कर सकता है एडवांस रूलिंग के अगेंस्ट में, पर आपके अगेंस्ट वो एक्शन नहीं ले सकता। रंजन अग्रीड विथ दिस व्यू बट हैज सम अप्रेंशंस इन व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन अबव। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस रंजन विथ रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग। फर्स्ट, द टैक्स एडवाइजर ask Ranjan to get registered under GST law before applying advance ruling, as only a registered person can apply the same. Whether Ranjan need to get registered in GST? हाँ, पहला एडवाइस है कि जो GST में रजिस्टर्ड है वही एडवांस रूलिंग ले सकता है। आपका क्या कहना है, प्लीज आंसर भेजिए कि क्या ओनली रजिस्टर्ड पर्सन को एडवांस रूलिंग मिलती है या वो भी पर्सन को एडवांस मिलती है जो डिजायरस टू टेक ए रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन लेने की इच्छा रख रहा है पर उसके पहले एडवांस रूलिंग लेना चाहता है, क्या उसको भी मिलेगी? तो यस करेक्ट, अनो ओके, रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी। तो जहाँ तक देखा जाए आंसर देखिएगा, एडवांस रूलिंग अंडर GST कैन बी सॉट बाय रजिस्टर्ड पर्सन और अ पर्सन हियर डिजायरस ऑफ ऑप्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर GST लॉ। ओके, यानी रजिस्टर्ड पर्सन को भी मिलेगा। ओके, और जो GST लॉ में रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है उसको भी मिलेगा। देयरफॉर इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर पर्सन सीकिंग एडवांस रूलिंग टू बी रजिस्टर्ड। ओके, उसके बाद में मैं समझ सकता हूँ बेटा आप इतने मोटिवेटेड नहीं होगे ये सब डिस्कशन के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत, आपके एग्ज़ाम जो है ये जुलाई की एग्ज़ाम, यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन चालू होगा कि करे क्या क्या नहीं करे। पर चलो आज का सेशन ख़त्म करते हैं, फिर हम बाद में बात करते हैं इससे रिलेटेड। ओके, कुछ बातें हमने स्टार्ट में किया पर ठीक है, पहले इतना ये चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है चांदनी का कि हु इज़ विलिंग टू टेक अ रजिस्ट्रेशन, मतलब जिसको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा टर्नओवर 20 लाख के ऊपर जा सकता है, मेरे पे GST लाइबिलिटी आ सकती है, या मैं वॉलंट्री रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली ओके बिफोर पेइंग टैक्स दे वांट द एडवांस रूलिंग, तो वो आपको अप्लीकेशन में देना पड़ेगा कि भाई वी आर प्लानिंग टू टेक अ रजिस्ट्रेशन और वी आर डिजायरस टू टेक अ रजिस्ट्रेशन एंड वी नीड एडवांस रूलिंग ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कैन रंजन सिक एडवांस रूलिंग टू डिटरमाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स प्रपोज टू बी सप्लाइड एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। अब मैं आपको बता दूं, क्लासिफिकेशन पे एडवांस रूलिंग मिलेगी क्योंकि वो लिस्ट ऑफ मैटर में दिया है, क्लासिफिकेशन पे एडवांस रूलिंग मिलेगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं। पर दूसरा ये है कि क्या प्लेस ऑफ सप्लाई पे एडवांस रूलिंग मिलेगी क्या? तो अब
आपके सामने बुक ओपन होगी तो वो बुक में आप देख सकते हो कि टैक्सेबिलिटी मैटर पे एडवांस रूलिंग है कि टैक्स आएगा या नहीं आएगा, वो मैटर पे एडवांस रूलिंग मिलती है। और प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करना, ये डिसाइड करना है कि टैक्स आएगा या नहीं आएगा, या इंट्रा स्टेट इंटरस्टेट टैक्स आया नहीं आएगा। तो बेटा ऐसे केस में अगर हम ट्रू सेंस में जाए और वर्डिंग्स ऑफ लॉ से जाए तो प्लेस ऑफ सप्लाई पे भी एडवांस रूलिंग मिलनी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर सीबीआईसी ने अपना अलग व्यू रखा है। सीबीआईसी ने रखा है कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई पे एडवांस रूलिंग नहीं मिल सकती, उन्होंने अपने रीजन दी है। तो फिलहाल एग्जाम में आपको वो व्यू फॉलो करना है। देखो वो क्या कहते हैं, वो देखो क्या कहते हैं, सेक्शन 97(2) ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 स्टिपुलेट द क्वेश्चंस और मैटर ऑन विच एडवांस रूलिंग कैन बी सॉट। इट प्रोवाइड दैट एडवांस रूलिंग कैन सॉट फॉर इंटर एलिया डिटरमाइनिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ। देयरफॉर रंजन कैन सीक द एडवांस रूलिंग फॉर डिटरमिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स प्रपोज टू बी सप्लाइड बाय हिम। क्लासिफिकेशन पे तो वो ले ही सकता है, उसमें ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। और वो क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इज नॉट वन ऑफ द स्पेसिफाइड क्वेश्चंस और मैटर ऑन विच एडवांस रूलिंग कैन बी सॉट। वो कहते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऐसा स्पेसिफिक नहीं दिया है सेक्शन 97 में कि प्लेस ऑफ सप्लाई पे आप ले सकते हो नहीं ले सकते हो। फर्दर सेक्शन 96 ऑफ सीजीएसटी एक्ट प्रोवाइड दैट AAR एन एडवांस रूलिंग अथॉरिटी constituted under the provision of SGST Act shall deem to be the AAR in respect of state or union territory under CGST Act. अब मैं आपको बताता हूँ, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ये स्टेट के अंडर में फॉर्म हुई है या यूनियन टेरिटरी के अंडर में फॉर्म हुई है, और वो एडवांस रूलिंग सेंट्रल की मानी जाएगी। दस AAR constituted under the respective state or union territory and not under the central act. This implies that ruling given by AR will be applicable only within the jurisdiction of concerned state. This is very important state. यानी अगर महाराष्ट्र के AAR ने कोई ruling दी होगी तो वो जो है यहाँ पे सिर्फ वही state तक applicable होगी, ठीक है। It is also for the reason that question on determination of place of supply cannot be raised with the AR. हाँ, इस reason के वजह से हम कह सकते हैं कि वो question प्लेस ऑफ सप्लाई का AAR में रेस नहीं हो पाएगा। हेंस रंजन कैन नॉट सीक द एडवांस रूलिंग डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो आपको ये पॉइंट जरूर लिखना है कि AAR इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्टेट और यूनियन टेरिटरी एक्ट एंड नॉट अंडर द सेंट्रल एक्ट, ये पॉइंट आना ही चाहिए। सो AAR की रूलिंग जो है वो सिर्फ स्टेट से ही ज्यूरिडिक्शन में रहेगी, स्टेट के ही ज्यूरिडिक्शन में रहेगी। दूसरा कि इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एडवांस रूलिंग जो है वहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन रेज नहीं हो सकता है, और वो प्लेस ऑफ सप्लाई पे ओके यहाँ एडवांस रूलिंग नहीं ले सकता, ठीक है बेटा। तो यहाँ हमने ये देखा, लेकिन इंस्टीट्यूट ने नीचे एक नोट भी दिया है। क्या नोट दिया, देखो, द अबव आंसर इज बेस्ड ऑन द व्यू टेकन बाय सीबीआईसी इन इट्स ई फ्लायर्स इश्यूड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एडवांस रूलिंग। द ई फ्लायर्स इज, हाँ, सीबीआईसी ने ई फ्लायर में, ये ई फ्लायर क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ लेटर होता है जहाँ पे वो बहुत सी जो है यहाँ सीबीआईसी अपने अगर कोई मैटर एम्बिग्यूटी में होगा, क्लैरिटी नहीं होगी, तो उसके ऊपर अपना व्यू रखता है। द ई फ्लायर इज अवेलेबल ऑन सीबीआईसी वेबसाइट। हाउएवर इट कैन बी ऑल्सो बी आर्ग्यूड दैट द क्वेश्चन रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 96। अब कोई ऐसा आर्ग्यू कर सकता है कि भाई 96 में तो एक लिया है ना कि डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ टैक्स पे एडवांस रूलिंग ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बेस पे ये जो भाई डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी में प्लेस ऑफ सप्लाई का पॉइंट भी कंसिडर होगा, तो उसके वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि 96 में अगर डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी है तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर होना चाहिए। ये कोई आर्ग्यू कर सकता है, पर फिलहाल आपको ये जो सीबीआईसी का व्यू है ये व्यू से ही जाना है, और आपको ये लिखना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो है उस पर एडवांस लिंक नहीं मिल सकती। इज इट क्लियर ये क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे बेटा, चलो अब तीसरा देखो, रंजन इज एम्प्रेंसिव, ओके, सो यहाँ पे रंजन इज एप्रेंसिव दैट इफ ऑल एडवांस रूलिंग इज परमिटेड टू बी सॉट
इट हैज टू सीक इट एवरी ईयर वेल रंजन्स अप्रेंशन इज करेक्ट. भाई उसने जो एडवांस रूलिंग लिया है क्या वो हर साल रिवाइज करनी पड़ेगी, क्या हर साल उस वही बात पे एडवांस रूलिंग लेनी पड़ेगी? तो देखो ऑब्वियसली नो. ओके, अगर आप तीसरे का आंसर देखते हो, सेक्शन 1032 ऑफ सीजीएसटी एक्ट स्टिपुलेट दैट एडवांस रूलिंग शैल बी बाइंडिंग अनलेस लॉ, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनलेस लॉ फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस सपोर्टिंग टू ओरिजिनल एडवांस रूलिंग हैव चेंज. Therefore, once Ranjan has sought the advance ruling with respect to eligible matter or question, it will be binding the time till the law, facts and circumstances supporting to original advance ruling remains same. मतलब कोई जब तक law या facts या circumstances नहीं बदलते हैं तब तक वो advance ruling binding रहेगी. हर साल आपको revise करने की कोई ज़रूरत नहीं है. Okay, ये भी अच्छा question था third number का. उसके बाद में fourth number देखो. The tax advisor is of view that order of authority for advance ruling is final and is not appealable. ठीक है. Whether the tax advisor is view is correct? No. Advance ruling is appealable. Advance ruling order यहाँ पे department appeal कर सकता है. Okay. और जिसके लिए separate appellate authority है, AAAR, appellate authority of advance ruling, और वहाँ आप ये order appeal कर सकते हो. तो देखो यहाँ पे फोर्थ नंबर पे क्या लिखा है. नो द टैक्स एडवाइजर व्यू इज नॉट करेक्ट एज सेक्शन 100 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इफ द एप्लीकेंट इज एग्रीड विद द फाइंडिंग्स ऑफ एएआर ही कैन फाइल द अपील टू अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग. हाँ, अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास आप अपील फाइल कर सकते हो. सिमिलरली इफ कंसर्न और ज्यूडिशियल ऑफिसर ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी डज नॉट एग्री विद द फाइंडिंग्स ऑफ एएआर ही कैन ऑल्सो फाइल अपील टू AAAR. ठीक है, मतलब यार डिपार्टमेंट भी अपील में जा सकता है. सच अपील मस्ट बी फाइल विद इन 30 डेज. ये भी पॉइंट आपको कवर करना है. फ्रॉम द डेट ऑन विच रूलिंग सॉट टू बी अपील अगेंस्ट इज कम्युनिकेटेड द अपीलेट अथॉरिटी मे अलाउ द एडिशनल 30 डेज एंड ए कॉन्डनेशन ऑफ डिले हो सकता है फर्दर फॉर 30 डेज. ठीक है, या मतलब इन सिंपल वर्ड अपील फाइल हो सकती है. इसमें आप समरी पॉइंट्स निकालिएगा. मेन पॉइंट है कि अपील फाइल हो सकती है या डिपार्टमेंट भी अपील फाइल कर सकता है विद इन 30 डेज एंड फर्दर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले 30 डेज में. चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, संभव रंजन्स फ्रेंड इज सप्लायर रजिस्टर्ड इन दिल्ली, ही इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स विच रंजन प्रपोजेज टू सप्लाई एट द सेम कमर्शियल लेवल दैट रंजन प्रपोजेज टू अडॉप्ट. मतलब सिंपल वे में जो यहाँ पे एडवांस रूलिंग रंजन ने ली है क्या वो एडवांस रूलिंग का बेनिफिट दूसरा कोई ले सकता है क्या? नहीं, दूसरा कोई यहाँ पे नहीं ले सकता है बेटा. तो यहाँ जहां तक देखा जाए तो लास्ट देखो वो क्या कहते हैं, सेक्शन 103 ऑफ सीजीएसटी एक्ट प्रोवाइड दैट एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस्ड बाय एएआर इज बाइंडिंग ओनली टू द एप्लीकेंट हु हैड सॉट इट. ये वर्ड आपने लिखना है और इसको अंडरलाइन भी करना है कि ये वर्ड लिख के उसको अंडरलाइन करना है. एंड ऑन द कंसर्न ऑफिसर और ज्यूडिशियल ऑफिसर इन रिस्पेक्ट टू एप्लीकेंट, दिस इंप्लाइज दैट एडवांस रूलिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू सिमिलर प्लेस अदर टैक्सेबल पर्सन इन द स्टेट, इट इज ओनली लिमिटेड टू द पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर एडवांस रूलिंग. अब मैं आपको एक बात बता दूं भाई, बहुत से लोग अभी कहते हैं जीएसटी में देखो कोई एडवांस रूलिंग आई है क्या. वो एडवांस रूलिंग आप रेफरेंस के लिए ले सकते हो, पर जरूरी नहीं है कि भाई जो असेसी ने एडवांस रूलिंग ली वो आपको ऑटोमेटिकली अप्लीकेबल हो जाएगी और कमिश्नर आपके अगेंस्ट में या ऑफिसर आपके अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकता, ऐसा नहीं हो सकता. ओके, एडवांस रूलिंग उसको ही अप्लीकेबल होगी हु हैड सॉट इट. तो एनी अदर पर्सन कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ सच एडवांस रूलिंग. तो इस बात का आप ध्यान रखें, ये भी पॉइंट अच्छा था. ओके, तो यहाँ हमने ये पहला क्वेश्चन देखा. अब सवाल ये आता है कि सर सेक्शन याद रखे क्या? मैंने पहले ही कहा, ओके, पहले जो 30 सेक्शन है जीएसटी के वो आप लर्न करो. इनवॉइस का एक सेक्शन लर्न करो, इसके बाद में रिफंड सेक्शन 54 वो अगर लर्न होता है, या टीडीएस टीसीएस 51 52, ऐसे सिलेक्टेड सेक्शंस आप लर्न करो. हाँ, हमारा ये जो प्रैक्टिस है और हमारा ये जो मिशन है कि भाई लर्निंग बाय डूइंग इट, इसमें अगर आप एनालिसिस करते करते सेक्शंस अलग लिख रहे हो और आपके लर्न हो जाए तो इट्स इनफ. ओके, मतलब ठीक है, लर्न पढ़ते पढ़ते लर्न हो रहे थे, इट्स ओके, स्पेशल याद रखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, चलिए
अब क्वेश्चन नंबर टू लेते हैं. ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग अंडर सेक्शन 98 ऑफ द CGST एक्ट. तो ये बेटा क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करनी पड़ेगी, कि ये प्रोसीजर आप रीड कर सकते हो कि यहाँ पे एप्लीकेशन कैसे फॉल होगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट कैसे मिलेगा आपको, ये आप यहाँ देख सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री. ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द अपील कुड बी फाइल बिफोर अपीलेट अथॉरिटी अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग वाई रेफरेंस टू सेक्शन 100 and 101 ऑफ CGST एक्ट. यस, अपील तो फाइल हो सकती है. द कंसर्न ऑफिसर ज्यूडिशियल ऑफिसर और अप्लीकेंट एग्रीड बाय द एडवांस रूलिंग में अपील टू अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग. ओके, उनके पास अपील फाइल हो सकती है, पहले भी हमने देखा, विद इन 30 days और एक्सटेंडेड पीरियड 30 days. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट मैं आपको ये कहूँगा कि नेक्स्ट पैराग्राफ में वो क्या कवर कर रहे हैं. देखो, द ट्रिपल AR मतलब अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग मस्ट पास द ऑर्डर कन्फर्मिंग और मॉडिफाइंग द रूलिंग अपील अगेंस्ट विदिन ए पीरियड ऑफ 90 days ऑफ फाइलिंग द अपील. मतलब वो ऑर्डर जो है 90 days में देखे आफ्टर हियरिंग द पार्टीज ऑफ अपील. इफ मेंबर ऑफ ट्रिपल AR डिफर ऑन एनी पॉइंट रेफर्ड इन द अपील इट शैल बी डीम दैट नो एडवांस रूलिंग कैन बी पास इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन अपील. हाँ, लेकिन जैसा वो बेंच बैठा है ट्रिपल AR का और उनमें ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, तो फिर ऐसा समझो कि आपके मैटर पर एडवांस रूलिंग नहीं मिल सकती है. ओके, तो आपको कोई ऑर्डर नहीं आएगा. द कॉपी ऑफ एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस बाय ट्रिपल AR इज सेंड टू द एप्लीकेंट कंसर्न ऑफिसर और यहाँ पे ज्यूडिशियल ऑफिसर एंड अथॉरिटी. चलो ठीक है, डिस्कस ब्रीफली. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ये क्वेश्चन. तो यहाँ पे 97(2) में कौन कौन से सर्कमटेंसेस में आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो, कि कौन से क्वेश्चन पे आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो. तो क्लासिफिकेशन पे आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो, ये पूरी लिस्ट आपको लर्न करना है. अप्लीकेबिलिटी, आप कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का है उस पर एडवांस रूलिंग ले सकते हो. टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई पे. इनपुट टैक्स क्रेडिट पे आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो. डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी टू पे टैक्स इस पर ले सकते हो. ओके, अप्लीकेंट्स रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड और नॉट उस पर आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो. और नेक्स्ट, वेदर एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू एनी गुड्स और सर्विसेज अमाउंट टू और रिजल्ट इन अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस. भाई मेरी एक्टिविटी सप्लाई के डेफिनेशन में आएगी या नहीं आएगी, इस पर आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो. तो बेटा ये एक छोटा सा चैप्टर था एडवांस रूलिंग से रिलेटेड, हमने कंप्लीट किया. और मिसलेनियस में एक एंटी प्रॉफिटिंग मेजर पे एक क्वेश्चन है जो आपने कर लेना है. तो इस तरह से ये जो लास्ट वाले टॉपिक्स है ये हमने कंप्लीट किए. मुझे सिर्फ यहाँ पे जो है आपको ये बताना था कि एग्ज़ाम में लिखना कैसे है और कैसे आपने एनालिसिस करना चाहिए, कैसे पॉइंट्स वाइज आपने अपने आंसर्स अरेंज करने चाहिए, ये मेरा ये पूरे डिस्कशन का ऑब्जेक्ट था. अब बेटा जो इसके पहले वाले चैप्टर्स है, इसके पहले वाले चैप्टर्स यहाँ पे यस, मैंने पूरा क्वेश्चन या डिस्कशन डाला हुआ है, मैंने लिस्ट आपको दे दी है. इवन लास्ट वाला जो चैप्टर है इसमें कहा कि पूरे GST पे क्वेश्चंस जो है उन्होंने सब मिक्स क्वेश्चन कवर किए हैं, तो वो भी मैंने ऑलरेडी कवर किए हैं. तो आपको वो सभी चैप्टर्स उसमें से कवर करना है. ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपका ये जो लास्ट वाले टॉपिक्स है जो आपसे जनरली इग्नोर हो जाते हैं, इस पर आपने मेरे साथ अच्छी पढ़ाई भी किया होगा और ये हमारा बहुत अच्छे से रिवाइज भी हुआ होगा. कुछ स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जूम पे भी आते हैं, कंसिस्टेंट है, बहुत से क्वेश्चंस मेरे साथ डिस्कस करते हैं, यहाँ रेगुलर आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ. तो बेटा ये बहुत अच्छी बात है, आप कंसिस्टेंसी ऐसे ही मेंटेन रखो, क्योंकि CA में बेटा जिसने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली ना, वो बनकर ही रहेगा CA, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ. तो यहाँ आपके टैलेंट से ज़्यादा कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है. मतलब टैलेंटेड तो यहाँ सभी कुछ सभी लोग हैं, पर किसी का ग्रास्पिंग कम हो सकता है, किसी का ग्रास्पिंग ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी उससे ज़्यादा मैटर करती है. और डेफिनेटली मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स हैं, मैं देख रहा हूँ रोज कि वो अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं. मैंने ऑलरेडी जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है बेटा, मैं मानता हूँ कि आप बहुत डीमोटिवेट हो चुके हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, डर भी है COVID-19 का. ओके, पर बेटा
मैं आपको कहूँ, जो भी होगा अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा, ठीक है? आप मेरी ये बात पर विश्वास रखना, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, ये टाइम भी निकल जाएगा। सो दोस्तों, मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि मोटा मोटी यही कहूँगा कि अटेम्प्ट से रिलेटेड अगर हो सके तो ऑप्ट आउट ऑप्शन ले लो। आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की है, मैं मानता हूँ, और ये पढ़ाई की प्रेशर से आप निकलना चाहते हो, लेकिन बेटा आपकी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपनी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़िंदगी है तो पूरा जहाँ है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको थोड़ा भी डाउट है कि आपके एरिया में फ्यूचर में केसेस बढ़ सकती है या फिर रेड जोन में आ सकता है, तो बिल्कुल ऑप्ट आउट ऑप्शन ले लो और रिलैक्स हो जाओ। ओके, बस थोड़ा क्या होगा, एक दो दिन में ये दुख होगा कि मैंने बहुत पढ़ाई की है। मैं समझ सकता हूँ वो फील, बिल्कुल समझ सकता हूँ बेटा, क्योंकि आप पिछले दिनों से 10-12 घंटे पढ़ रहे हो। ओके, आप यहाँ पे कोशिश कर रहे हो कि इस एग्ज़ाम में आप अच्छा रिजल्ट लेके आओगे, पर आपकी, आपके फैमिली की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, इसलिए थोड़ा भी आपको डाउट होगा तो ऑप्ट आउट ऑप्शन ले लीजिएगा। और मैं तो बहुत स्ट्रांगली फील कर रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट से भी एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं होगा अगर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक अब आते हैं हम चार्ट रिवीजन से रिलेटेड, तो बेटा अभी मैं आपको कह दूँ कि चार्ट रिवीजन मैं आज से स्टार्ट करने वाला था, लेकिन बहुत से स्टूडेंट अभी ये 3-4 दिन कन्फ्यूजन में है कि क्या करे क्या करे। ओके, कल से मैंने अभी तक व्हाट्सएप पे ऑनलाइन, ओके, कल हम सभी फैकल्टीज गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि बहुत कन्फ्यूज है और अभी किसी का मूड नहीं है रिवीजन वगैरह करने का, मैं आपको कह दूँ। ओके, तो मेरा प्लानिंग आज से था चार्ट रिवीजन का, पर थोड़ा रुकते हैं। ओके, ये 3-4 दिन जो है आप सेटल हो जाओ। ओके, उसके बाद हम चार्ट रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। तब तक मैंने आपको कस्टम रिवीजन बाइट्स तो दिए ही है, जो स्टूडेंट देखना चाहता है वो देख ले, जिसमें पूरी चार्ट रिवीजन कवर हो जाती है, सब कुछ कवर हो जाता है। और GST के जो है बेटा पुराने चार्ट रिवीजन मैंने डाले, अगर कोई देखना चाहता है तो वो देख सकता है। ये एडिशनल क्वेश्चंस हमारे डिस्कशन हो चुके हैं, थोड़ा सबको सेटल होने दो। ओके, उसके बाद में फिर से एनर्जी से हम वापस आएंगे, जैसे मैंने आप में वो एनर्जी देखी थी 1-2 तारीख को। ओके, जब ये वो कन्फ्यूजन नहीं था तो आपने जो 1-2 तारीख को ये कि भाई सर एडिशनल क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, हम सब कुछ यहाँ पे करेंगे, तो यह ही ना लाइव सेशन चार्ट का। ओके, हम मेरा इस पर वीडियो आ जाएगा, पर अभी थोड़ा सब चीज़ें स्टेबल होने दें, आप भी प्रॉपर डिसीजन लो, फिर एक पूरे एनर्जी से हम आएंगे। ओके, तब तक मेरे कस्टम्स का पुराना चार्ट रिवीजन, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं, वो रेफर कर सकते हो आप। सप्लाई से रिलेटेड चार्ट रिवीजन जो पहला चार्ट है यूट्यूब पे, जो मैं अटेम्प सॉरी लास्ट अटेम्प के लिए था, वो भी आप रेफर कर सकते हो। अदरवाइज थोड़ा 4-5 दिन रुक जाओ, सबको सेटल होने दो, फिर वापस एक नई एनर्जी के साथ आते हैं, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे मैं चार्ट रिवीजन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा कि हम कैसा उसको अरेंज करने वाला है। ओके, तो इसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको दी जाएगी बेटा। शुभम, MCQ का डिस्कशन जो है वो भी हम स्टार्ट करेंगे। फिर से बात ये कहता हूँ कि मैं अभी थोड़ा 3-4 दिन का गैप ले रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट बिल्कुल भी यहाँ पे मोटिवेटेड नहीं है, वो पहले सेटल होना चाहते हैं, तो हम वापस चालू करेंगे MCQ का रिवीजन, चार्ट रिवीजन 3-4 दिन के बाद। तब तक देखते हैं कि सिचुएशन क्या है, इंस्टीट्यूट भी क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि मैंने कल सेंट्रल काउंसिल मेंबर से बात किया, फिलहाल उनमें भी बहुत बड़ी गड़बड़ गड़बड़ चालू है। तो यहाँ देखते हैं 3-4 दिन में क्या डिसीजन आता है, फिर आगे हम हमारा फिर से एक रिवीजन सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए यहाँ बेटा रुकते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मैं 2 मिनट और रुकता हूँ और फिर हमारे सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू पारस, पूजा,
वैभव, अनमोल आज जूम सेशन नहीं होगा क्योंकि मुझे थोड़ा अर्जेंट वर्क है। हम जूम सेशंस इसके आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे उससे रिलेटेड मेरा एक वीडियो आएगा, क्योंकि मैं थोड़ा क्वेश्चन आंसर, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आंसर जो व्हाट्सएप पे आते हैं, तो हम जूम सेशन पे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सीरीज़ हम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। तो उसमें पूरी लिस्ट आपको आ जाएगी स्लैश विशाल सर पे, अगर वो चालू होता है तो उसके हिसाब से आपको लिंक दे दी जाएगी और आप सेशन पे आ सकते हो। तो यहाँ पे हम अनमोल आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं। सचिन थैंक यू, बट मैं आपको एक बात कह दूं कि एज अ टीचर मेरा काम है नॉलेज शेयर करना बेटा, और मैं आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। आप इस और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आपको उठाना है, और आपकी आपका रिजल्ट अगर पॉजिटिव आया, बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास हुए, तो यही मेरा गिफ्ट है बेटा। बस इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलो बेटा, देखो पिछले 60-70 साल में पहली बार ऐसी सिचुएशन आई है कि अटेम्प्ट जो है हमें ऑप्शन मिला है कि ना देने का। इसमें आपको एक बात कह दूँ कि 90% स्टूडेंट, ओके, मुझे याद है कि जब मैं एग्ज़ाम देता था तो मन में होता था कि अरे यार ठीक है, टेंशन तो सबको होता है, पर मन में होता था कि किसी रीज़न की वजह से अटेम्प्ट कैंसिल हो जाए, किसी रीज़न की वजह से आगे बढ़ जाए। ठीक है, हम परफॉर्म अच्छा किया अटेम्प्ट में, लेकिन मन में एक डर रहता था। तो इस बार क्या हो गया, आपको जरूरी रीज़न मिल गया कि भाई अटेम्प्ट पोस्टपोन हो गया, अब क्या कर सकते, COVID-19 आ गया। तो 90% स्टूडेंट जो है ऐसे सोच रहे होंगे कि चलो अच्छा हुआ, लेकिन नहीं, जो 10% स्टूडेंट हैं उन्होंने जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की है उनके लिए सच में मैं समझ सकता हूँ कि ये गल बात अब जो है वो सही नहीं हुई है। लेकिन बेटा कर क्या सकते हैं, हमारे हाथ में और कुछ नहीं है। नहीं आकांक्षा, वो दोनों लिमिट अलग अलग रहेगी। थैंक यू बबीता। तो चलो आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट करते हैं। ऑल द बेस्ट, आपकी लाइफ सबसे बेस्ट रहे, आप आगे बढ़े, ये मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, और हर चीज़ पॉजिटिव होगी, ध्यान रखना। ओके, यहाँ ये टाइम निकल जाएगा और सभी चीज़ें आगे पॉजिटिव होगी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल डीमोटिवेट मत होना, बस अपना और अपने फैमिली का पूरा ख्याल रखना और सभी प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉलो करना। थैंक यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। गौरव, मुझे लगता है एक्सटेंड करना चाहिए आईसीए ने। चलिए यहाँ रखते बेटा।